वेलकम बैक माय चैनल माय वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज की जो टॉपिक है वो है हिंदी कविता। आज की जो टॉपिक वो मैं नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं उनके लिए इंग्लिश पोएम भी लेकर आऊँ, तो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। फिलहाल हिंदी एग्जाम्स चल रहे हैं तो इसीलिए मैं कुछ कुछ बच्चों को हिंदी की चीज़ें दे रही हूँ। उसके बाद हमारी हिंदी की और भी ग्रामर बाकी है, आप वेट कीजिएगा ग्रामर्स के। हम आगे हिंदी पत्र लेकर के और भी हिस्से बाकी हैं, उसको भी दोहराएंगे, कारक दोहराएंगे, वचन दोहराएंगे, बहुत से ऐसे ग्रामर बाकी हैं जिसको हम दोहराएंगे। थोड़ी सी हम बिजी हो जाते हैं पर उसके बीच बीच में हम उसको फिर से दोबारा ले आएंगे। आज की जो कविता है वो है छोटे नन्हे प्यारे बच्चों के लिए। आप देखना चाहते हैं आज की कविता का शीर्षक क्या है? क्या है ये? व्हाट इज दिस? पतंग। समझ आया आपको? पतंग यानी कि हमारी आज की कविता का शीर्षक है पतंग। पतंग क्या करते हैं? इसके साथ इसको जोड़ते तो इसके सहारे बहुत पतंग खेला जाता है ना, पतंग को हवा में उड़ाया जाता है, फिर एक पतंग से हम दूसरे पतंग को काटते हैं इसके सहारे, यूं यूं करके काटते हैं, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है पतंग। तो सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुट गई, अब लड़ने में जुट गई, अरे कट गई, अरे कट गई, अरे में लट गई, सर 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 उड़ी पतंग, फिर फर 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 उड़ी पतंग, ठीक है? आज का जो कविता है बहुत सी छोटा सा नन्हे बच्चों के लिए है और मैंने बहुत कम छोटा सा हिस्सा लिया है उसका, ठीक है, ताकि उसको आप आसानी से कर सको। तो बच्चों, ये कविता आप अच्छे से पढ़ाई करना, एक्सप्रेशन के साथ मुझे बना के आप दिखा सकते हो, ठीक है? आज की जो कविता है वो कविता पतंग से रिलेटेड था, नेक्स्ट कविता में हम दूसरा कुछ देंगे, ठीक है? आज कविता से कविता जो है वो हम फिर दोबारा दोहराते हैं, आप फिर से सुन लीजिएगा। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में झूठ गई, अरे अब तो मैं टूट गई लूट गई, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। बच्चों, आपको ये कविता कैसा लगा हमें अच्छे से बताना, और आप हमें दिखाना भी जरूर कि ये कविता आपको कैसा लगा। पतंग जो है बच्चों वो हम सब जब भी हवा का मौसम आता है, विंटर सीजन आते हैं, तो क्या करते हैं पतंग लोग बहुत उसको उड़ाते हैं कि नहीं? और पतंग जो है वो पतंग जैसे हम थोड़ी से हवा में उसको जाके छोड़ते तो पतंग पर उड़ जाता है, फिर हम क्या करते इसके सहारे पूरे पतंग को ऐसे उसको खेलते रहते, फिर अपने पतंग से हम दूसरे को पतंग को काटने की कोशिश करते हैं। समझ आया? इसमें बहुत मज़ा आता है, इसमें एक अलग खेल होता है। आपको भी शायद अच्छा लगे, थोड़े से बड़े हो जाओगे ना फिर आपको भी पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, आप क्या करते हो एक पतंग से दूसरे पतंग को काटने में लग जाते हो, फिर हवा में उठाने के लिए उसको जोर जोर से ऐसे यूँ करते रहते हैं, ठीक है? तो ये था पतंग। इस पतंग का कैसे पतंग हवा में उड़ जाता है, फिर पतंग एक दूसरे के साथ कैसे लड़ाई करते हैं, फिर पतंग कट भी जाता है, और फिर क्या होता है अपना पतंग भी कभी कभी कट हो जाता है। इस तरीके से पतंग का खेल ख़त्म होता है। तो ये आज का था पतंग। आप अच्छे से इसको समझो, उसका पतंग कविता का पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पूरे पतंग कविता का पूरा राइटर लिख के मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही आपको और नए नए टॉपिक्स, नए नए पतंग कविता आपके लिए लेकर आऊँगी, आप जरूर देख लीजिएगा। आप किसी पेरेंट्स ने मुझे बोला कि आपको इंग्लिश पोएम चाहिए, बिल्कुल बहुत जल्द मैं आपके लिए इंग्लिश कविता। Okay, bye-bye and take care.